नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। तराना तहसील के ग्राम सूरजपुरा निवासी एक महिला अपने दो बच्चों के साथ जनसुनवाई में अपने पति के द्वारा दहेज की मांग करते हुए प्रताड़ित करने के साथ ही चरित्र पर आक्षेप लगाने की शिकायत की, जहां से उसे वन स्टॉप सेंटर भेजा गया। पीड़ित महिला कृष्णाबाई पति कैलाश मोगिया निवासी सूरजपुरा का विवाह 17 वर्ष पूर्व संपन्न हुआ था। विवाह के बाद उसके एक पुत्र व एक पुत्री है। पति कैलाश द्वारा दहेज की मांग करने के साथ ही उस पर चारित्रिक आक्षेप लगाते हुए घर से बाहर निकाल दिया गया था। वर्तमान में महिला अपने मायके में रह रही थी। पीड़ित महिला ने थाना तराना महिला थाना पुलिस उज्जैन पुलिस अधीक्षक सहित सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की, मगर उसे कहीं भी न्याय नहीं मिलने से परेशान होकर जनसुनवाई में शिकायत की, जिस पर अधिकारियों ने उसे वन स्टॉप सेंटर भेजा। अब देखना यह है कि पीड़ित महिला को न्याय मिलता है या नहीं। मैं लखन डाबी, ये मेरी बहन है, इनका नाम कृष्णा भाई है। इनकी शादी गांव सूरजपुरा में की गई थी। 17 साल पहले इनके गांव में शादी करी थी और उसके बाद इनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है इनके पति के द्वारा। बहुत ज़्यादा ही प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी तक तो वो सहन कर रही थी, लेकिन अब हद से ज़्यादा हो रहा है। शिकायत नहीं किया? इसकी शिकायत हमने की थी तराना थाना में, लेकिन वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं होती इनकी। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि इनके लिए कुछ कार्रवाई की जाए इनके पति पर। अभी तक तो कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई इनकी, और कम से कम 4-5 रिपोर्ट हो गई है इनकी 3-4 साल के अंदर। अभी 30 तारीख को ही रिपोर्ट करके आए थे। उस रात को इनके पति ने इनको बंदूक से मारने की धमकी दी और मारते ही हैं, और बंदूक तान दी थी इनके सामने, तो इनके बच्चों ने बचाया। जो कि इनकी बच्ची है छोटी, मतलब 13 साल की, वो भी इनके साथ ही रहती है। और हर बार साल में 6 महीने में 2 महीने में लड़ाई करते हैं, इसकी वजह से इनके बच्चे भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं अब। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम लखन डाबी है, मैं इनका भाई हूँ छोटा।